فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے اور رمضان کے تعلق سے تقریباً تمام احکام کو ایک ہی جگہ میں بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو روزوں کی فرضیت کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد روزے کے فدیے کا تذکرہ کیا ہے اور ایک تفسیر کے مطابق صدقہ فطر کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد روزوں کی قضا کا تذکرہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرعی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے رمضان کا روزہ نہ رکھ سکے تو اس کے لیے دوسرے دنوں میں قضا کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر مختصراً اجمالاً اشارتاً عید کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد رمضان ہی کے روزوں سے تعلق رکھنے والے کچھ مزید احکام کا تذکرہ ہے اور اخیر میں اعتکاف کا بھی تذکرہ ہے۔ روزوں کی فرضیت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب معرفت کہتے ہیں کہ عاشقانہ انداز میں کیا ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز کی فرضیت کا حکم آیا تو اس کو حکم کے لہجے میں بیان کیا کہ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ۔ ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان کیا گیا تو وہاں بھی حکم کا لہجہ اپنایا اور فرمایا کہ آتوا الزکاۃ، اپنے اموال کی زکوٰۃ دیا کرو۔ لیکن اس کے برخلاف جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا اور ایسے ہی رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمایا تو وہاں حکم کا اسلوب اختیار نہیں کیا بلکہ محبت والا انداز، عشق اور پیار والا انداز اختیار کیا۔ چنانچہ یہ نہیں کہا کہ تم حج کرو بلکہ خبر دی کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو شخص ابھی بیت اللہ جا سکتا ہو اس کو اللہ کے گھر کا حج کرنا چاہیے۔ ایسے ہی رمضان کے روزوں کی فرضیت کا جب اعلان کیا گیا
तो हुक्म नहीं दिया गया कि तुम रमजान के रोजे रखा करो, बल्कि मोहब्बत भरे और प्यार भरे अंदाज में ये कहा, या अय्युहल्लदीना आमनू कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल्लदीना मिन कब्लिकुम, के लोगों और ईमान वालों तुम्हारे लिए भी ऐसे ही रोजे मुकर्रर किए गए हैं जैसे कि तुमसे पिछली उम्मतों पर रोजे मुकर्रर किए गए थे। यानी एक खबर दी जा रही, महबूब अपनी मर्जी का ऐलान कर रहा है कि मैं अपने जात से मोहब्बत करने वालों के लिए क्या चाहता हूं। और जाहिर है कि महबूब की तरफ से जब अपने मोहब्बत करने वाले को किसी अमल पर आमादा करना होता है तो वहां हाकिमाना लहजा इख्तियार नहीं किया जाता कि तुम ये करो और ये मत करो। ये हुक्म उस वक्त इख्तियार किया जाता है जब कोई हाकिम अपने गुलाम को किसी काम की तलकीन कर रहा हो, लेकिन जब कोई महबूब अपनी जात से मोहब्बत करने वाले और प्यार करने वाले से कोई अमल चाहता है कि मुझसे मोहब्बत करने वाला ये काम करे तो उसकी मोहब्बत में इजाफा हो, तो वो इशारों की जबान में एक खबर के उसलूब में अपने पसंदीदा अमल का ऐलान करता है, इजहार करता है कि मुझे ये बात पसंद है, मैं इस चीज को बहुत पसंद करता हूं और इस अमल करने वाले से मैं मोहब्बत करता हूं। तो आरिफीन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादतों में नमाज वाली इबादत और जकात वाली इबादत ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफत हाकिमाना का मजहर है कि अल्लाह बादशाह है, हाकिम है, मालिकुल मुल्क है और तमाम मखलूक उसकी गुलाम है। वो चाहता है कि ये सब मिलकर उसकी खिदमत करे, तो वहां एक आमिराना अंदाज में, हाकिमाना अंदाज में, जैसे कोई बड़ा अपने मातहत को और कोई आका अपने गुलाम को हुक्म देता है, किसी काम की तलकीन करता है, तो वहां हुक्म का उसलूब और अम्र का अंदाज इख्तियार किया जाता है कि तुम ये करो और ये मत करो। तो नमाज के बाब में, जकात के बाब में यही उसलूब अपनाया गया है। और दूसरी तरफ जो रोजे वाली इबादत है और हज वाली इबादत है, आरिफीन कहते हैं कि ये अल्लाह तबारक व ताला की सिफत रहमत, अल्लाह की सिफत मोहब्बत का मजहर है। तो इसलिए वहां अल्लाह तबारक व ताला ने हाकिमाना उसलूब इख्तियार नहीं किया, बल्कि अपनी चाहत का इजहार कर दिया, अपनी पसंद बतला दी, अपनी मर्जी का ऐलान कर दिया कि मैं क्या चाहता हूं। अब मोहब्बत करने वालों की ये अपनी मोहब्बत का इम्तिहान होगा कि वो महबूब की मर्जी पर, बावजूद कि उसकी तरफ से हुक्म नहीं है, क्या वो उस काम को करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये आशिकाना इबादत, जाहिर है कि मोहब्बत करने वाला ही अपने महबूब और अपने माशूक की रजा के लिए भूखा प्यासा रहता है, रातों को बेदार रहता है,
उसके घर और उसके दियार का चक्कर लगाता है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। ये मोहब्बत के अंदाज होते हैं और ये इश्क के वालिहाना अंदाज होते हैं कि जिसमें वो अपने महबूब की और माशूक की रजा को तलाश करने की कोशिश करता है कि मेरे महबूब को जब मालूम हो जाए कि मैं उसके दीदार के खातिर, मैं उसकी रजा के खातिर महबूब प्यासा रह रहा हूँ, भूखा रह रहा हूँ, भूख की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहा हूँ, प्यास की तपिश को बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो कहीं महबूब मेरे इस अंदाज की वजह से और मेरे अमल की वजह से मुझे अपनी रजा का परवाना अता कर दे और अपनी जात से मोहब्बत करने वालों में शामिल कर ले। तो इसलिए रमजान के रोजे ये कोई मामूली इबादत नहीं है, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक अजीम इबादत है कि इन रोज़ों का एहतमाम करके इंसान अगर चाहे, ईमान वाला अगर चाहे, तो वो अल्लाह तबारक व ताला को राजी कर सकता है, अपने तमाम पिछले गुनाहों की बख्शिश करवा सकता है, अपने लिए जन्नत का परवाना तय करवा सकता है, अपने लिए अल्लाह की रजा को मुकद्दर करवा सकता है। और इसके साथ साथ जहां अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कलाम पाक में रमजान के ताल्लुक से अहकाम बयान किए, तो मशहूर इन दो इबादतों यानी दिन के रोजे और रात की तरावी और क़ियामे रमजान के अलावा दो इबादतों का ज़िमनन और भी तज़किरा किया। उनमें से एक इबादत तो है कुरान मजीद की तिलावत, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, खास तौर पर अल्लाह तबारक व ताला यहां ये जिक्र कर रहे हैं कि रमजान का महीना वो महीना है कि जिसमें हमने अपनी किताब को नाजिल किया है। इससे जहां रमजान की अजमत को और उसकी फजीलत को बतलाना मकसूद है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कलाम को नाजिल करने के लिए अपनी किताब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुसफ़ा पर उतारने के लिए किसी और महीने या किसी और दिन और रात का इंतखाब नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने रमज़ान का इंतखाब किया, लैलतुल कद्र को चुना कि इस रमजान में और लैलतुल कद्र में अपने अजीम कलाम को अपने अजीम पैगंबर पर नाजिल करें। तो इससे जहां रमजान की अजमत का, उसके तकद्दस का, अल्लाह के यहां उसके अजीम मकाम और मर्तबे का पता चलता है, वहीं इस बात की तरफ भी इशारा मिलता है कि कुरान मजीद और रमजानुल मुबारक इन दोनों में अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत कवी और मजबूत मुनासबत और ताल्लुक रखा। इसीलिए रिवायात में है कि जब रमजानुल मुबारक का महीना आता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हजरत जिब्राइल अलैहि सलातु वस्सलाम अब तक जितना कुरान मजीद नाजिल हुआ है बाकायदा उसका दौर करते थे। तो नाजिल शुदा कलाम पाक के दौर के लिए, उसके आमोख्ते के लिए, उसके दोबारा मुजाकरे के लिए जिब्राइल अमीन की तरफ से रमजान का इंतखाब होता था। और रिवायात में ये भी है कि जिस साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी रमजान था,
तो उस साल रमजानुल मुबारक ने जिब्राइल रमजानुल मुबारक में जिब्राइल अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दो मर्तबा कुरान मजीद का दौर फरमाया। तो ये इस बात की दलील है कि रमजान और कुरान इन दोनों का अल्लाह तबारक व ताला ने खास ताल्लुक रखा है, बल्कि कुरान के अलावा भी रिवायात से मालूम होता है कि जो किताबें अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई या जो सहीफे अंबिया अलैहिस्सलाम को दिए गए तो वो किताबें भी और वो सहीफे भी रमजानुल मुबारक में ही नबियों को दिए गए। आदम को सहीफे का मिलना हो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सहीफे का मिलना हो, हजरत मूसा को तौरेत का अता करना हो, या हजरत दाऊद को जबूर का अता करना हो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता करने का वाकया हो, तो कहा यह जाता है और रिवायात में ये बात मशहूर है कि इन सब के लिए भी अल्लाह तबारक व ताला ने रमजान का इंतखाब फरमाया। इसीलिए खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, सहाबा भी, ताबीईन भी और अकाबिर व असलाफ भी रमजानुल मुबारक में रोजों के अलावा अगर किसी इबादत की बहुत कसरत करते थे, बल्कि अपने तमाम मशागिल को छोड़कर अगर किसी इबादत का इन्हिमाक रखते थे तो वो कुरान मजीद की तिलावत होती थी। दिनों रात अल्लाह की किताब की तिलावत के अलावा उनका कोई मशगला नहीं होता था। हजरत कतादा इब्ने दियामा मशहूर जलीलुल कद्र ताबिई हैं, रमजानुल मुबारक का महीना आता तो हर तीन दिन में एक कलाम पाक खत्म फरमाते थे, और जब रमजानुल मुबारक का अखीरी अशरा होता तो हर रोज एक कलाम पाक खत्म फरमाते थे। और ऐसे कई वाकियात हैं, इमाम शाफ़ई के मुतालिक, इमाम आज़म अबू हनीफा के मुतालिक तो मशहूर है कि वो रमजानुल मुबारक में 60 या 61 कलामे पाक खत्म करते थे। दिन में एक पूरा कलामे पाक और रात में एक पूरा कलामे पाक, इस तरह पूरे रमजान उनका काम सिवाय अल्लाह की किताब के तिलावत के कुछ नहीं होता था। हालांकि ये हजरात बड़े बड़े अइम्मा हैं, फुकहा हैं, इनकी अजीम जिम्मेदारियां भी थी और इनके बहुत अजीम मशगले भी थे कि अगर वो मशगला इख्तियार ना करते तो आज ये दीन सही सालिम हमको खुदा की कसम न पहुंचता। लेकिन वो रमजान का महीना दाखिल होने के बाद अपने इन तमाम अजीम मशागिल को बंद कर देते थे, अपनी इन तमाम इबादतों को मौकूफ कर देते थे और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की किताब की तिलावत के लिए फारिग कर देते थे। इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर इमाम हैं, मुहद्दिस हैं, उनका मशगला हदीस था। पूरी दुनिया से उनके पास हदीस को हासिल करने वाले तलबा और उलमा आते थे और हदीस का दर्स लेते थे, लेकिन जहां रमजान का महीना आता तो उनका यह हदीस का दर्स बंद हो जाता और अपने आप को सिर्फ कलाम पाक की तिलावत के लिए फारिग कर लेते थे। और हमारे अकाबिर के वाकयात तो फजाइल आमाल में हजरत शेख ने जिक्र किए हैं। हजरत शेखुल हिंद का क्या मामूल था, हजरत मौलाना खलील अहमद सारनपुरी अली रहमा का क्या मामूल था, हजरत मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी अली रहमा का क्या मामूल था, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी का रमजान में क्या हाल होता था, हजरत थानवी जैसा जलीलुल कद्र इमाम जो मुजद्दिदे वक्त था,
और जिसने मुआशरे की इस्लाह के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ की, जिसके पास आने वाले का हुजूम रहता था और उनके पास एक वक्त एक सेकंड भी रात और दिन में आम दिनों में भी फारिग नहीं होता था, लेकिन रमजान का महीना आता अपने इन तमाम मशागिल को बंद कर देते और सिर्फ अपने आप को कुरान मजीद की तिलावत के लिए फारिग कर लेते थे। तो इससे दोस्तों हमें इबरत हासिल करना चाहिए, हमें सबक हासिल करना चाहिए कि हमारा रमजान इन अकाबिर और असलाफ के मुकाबले में किस तरह गुजर रहा। रमजान आने के बाद हम किस चीज में इजाफा कर रहे हैं, खाने पीने में इजाफा कर रहे हैं, सोने में इजाफा कर रहे हैं, या बाहर होटलों पर बैठकर गपशप में इजाफा कर रहे हैं, या खेल कूद में अपना वक्त गुजारने के लिए उसमें इजाफा हो रहा है, या मान लीजिए किसी का ये मशगला नहीं है, वो इबादत ही कर रहा है, कोई दीन का काम कर रहा है, दीन की मेहनत कर रहा है, दावत और तबलीग भी कर रहा है, तो क्या ये तमाम के तमाम दावत और तबलीग नहीं कर रहे थे? इनके ये अजीम मशागिल या वो दुनिया के खातिर थे या उम्मत की इस्लाह के लिए थे? यकीनन कोई भी अकलमंद ये नहीं कहेगा कि ये दुनियादार लोग थे, ये अपनी पेट के खातिर ये तमाम मशागिल को इख्तियार किए हुए थे। नहीं, खुदा की कसम ऐसा नहीं था, लेकिन वो इसके बावजूद अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को छोड़कर अपनी तमाम मशागिल को एक जमाने तक मौकूफ करके अपने आप को अल्लाह के कलाम की तिलावत के लिए फारिग कर लेते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में इसके बड़े फजाइल बयान फरमाए, और उससे भी ये बात मालूम होती है कि रोजे और कुरान इन दोनों का बहुत जोड़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां रोजे की फजीलत बयान फरमाते हुए ये कहा कि रोजा कयामत के दिन रोजा रखने वालों के लिए सिफारिश करेगा, तो वहां कुरान को भी साथ में बयान किया और कहा कि अस्सियाम वल कुरान यश्फानी लिल अब्दी यौमल कियामती, कि कुरान भी और रोजा भी कयामत के दिन अपने पढ़ने वाले और रोजा रखने वालों के लिए सिफारिश करेंगे। रोजा कहेगा कि मना तुहु अत्ताम व शहवात बिन नहार, कि अल्लाह मैंने इसको खाने पीने से और ख्वाहिशात से दिन भर रोके रखा था, मैं इसके हक में सिफारिश करता हूं, अल्लाह तू मेरी सिफारिश को कबूल कर ले। और अल्लाह का कलाम कहेगा कि मना तुहु अन्नौम बिल्लैल, कि अल्लाह रातों की नींद से मैंने इसको रोके रखा था कि ये रातों को बिस्तर पर आराम नहीं करता था, तेरे सामने खड़ा होकर मेरी तिलावत करता था, मैं इसके हक में सिफारिश करता हूं, तू मेरी इस सिफारिश को कबूल फरमा ले। ये मामूली फजीलत नहीं है दोस्तों। कयामत का मंजर अगर हमारे सामने हो और आखिरत के कुछ अहवाल हमने तालीम में फजाइल में सुने हो, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना हौलनाक माहौल होगा। इंसान एक एक नेकी का, बल्कि नेकी के एक एक जर्रे का मोहताज होगा। उस मौके पर अगर ये कुरान एक सिफारिशी की शक्ल में खड़ा हो जाए, अल्लाह का कलाम अल्लाह से हुज्जत करने लगे कि अल्लाह ये तो मेरा पढ़ने वाला है, ये तो मेरी तिलावत करने वाला है, मैंने इसकी नींद को रातों में हराम कर दिया था अपनी वजह से, तू मेरी इस सिफारिश को कबूल कर ले, तो क्या अल्लाह अपने कलाम की सिफारिश को रद्द करेगा? जरूर अल्लाह उसकी सिफारिश को कबूल फरमाएंगे। तो इसलिए रमजानुल मुबारक के बेशतर अवकात हमारे कुरान की तिलावत में गुजरना चाहिए।
और इसकी फिक्र ना करें कि मैं बहुत कम पढ़ पाता हूँ और अटक अटक पर कपा पड़ता हूँ, घंटों लग जाते हैं तब जाकर मेरा एक सिपारा मुकम्मल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बड़ी शफीक थी, लोगों की इस नफसियात की रियायत करते हुए भी अल्लाह के रसूल ने हमको हिदायत दे दी कि वल्लदी यततअउ बिल कुरान या वल्लदी यश्तद्दु फीही, कि वो शख्स जिसको कुरान के पढ़ने में मशक्कत होती है, वो अटक अटक कर पढ़ता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपनी इस दिक्कत और परेशानी की वजह से दिल बर्दाश्ता न हो, अपना दिल छोटा न करे कि दूसरे के मुकाबले में मैं कम तिलावत कर पा रहा हूँ। फलहू अजरान, के ऐसे शख्स को तो दुगना अजर मिलेगा जो कुरान पढ़ने में इतनी महारत नहीं रखता, इतना मशाक नहीं है, तेजी के साथ वो ज्यादा कुरान नहीं पढ़ सकता, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपनी बिसात के मुताबिक लगा रहता है। चाहे दिन भर में वो एक पारा मुकम्मल कर पाता हो घंटों की तिलावत के बाद भी, अल्लाह के रसूल उसको बशारत दे रहे कि वो अपना दिल छोटा ना करे। उसके लिए तो अल्लाह के रसूल की तरफ से ये बशारत दी जा रही कि फलहू अजरान, उसको दुगना अजर मिलेगा। आम आदमी के मुकाबले में जो रफ्तार के साथ कुरान की तिलावत कर सकता है, उसके मुकाबले में इसको इस मशक्कत बर्दाश्त करने का भी मुस्तकिल सवाब मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों इसका हमें खास एहतमाम करना चाहिए। और अगर किसी शख्स का कुरान के पढ़ने में दिल नहीं लगता और कुरान पढ़ने के लिए बैठता है तो उसको नींद आने लगती है, तो दोस्तों इसकी वजह से कुरान की तिलावत छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसका इलाज भी कुरान मजीद का पढ़ना है। और ये अफसोस करना चाहिए कि मैं बीमार हूं, मेरा दिल मरीज है, जैसे किसी को बुखार आ गया हो या कोई बीमारी हो गई हो तो लजीज से लजीज खाना उसके मुंह में रखा जाए लेकिन उसको कड़वा लगेगा। तो ये कड़वा लगना खाने की बुराई नहीं है, वो खाने वाले की कमी है, खाने वाले का नक्स है, उसका मर्ज है, उसकी बातिनी बीमारी और कमजोरी है कि जिसने उसके लजीज खाने को भी खराब कर दिया। तो अगर कुरान की तिलावत के दौरान उसका दिल नहीं लगता, नींद आने लगती है, वसाविस आते हैं, ख्यालात आते हैं, जी ऐसा करता है कि अभी छोड़कर बाहर चले जाऊं और दोस्तों के साथ गपशप शुरू कर दूं, तो ये समझना चाहिए कि मैं बीमार हूं और इस बीमारी का इलाज भी ये मुस्तकिल कुरान मजीद की तिलावत ही करेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन्नल कुलूब तस्दउ कमा यस्दउल हदीद बिल मा, कि ये दिल भी जंग आलूद हो जाते हैं जैसे कि लोहे को पानी के लगने की वजह से जंग लग जाता है। जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है तो अच्छा खासा लोहा, चमकदार लोहा, शफाफ जिसमें चेहरा नजर आए, ऐसा भी वो सियाह हो जाता है, बदनुमा लगता है। तो फरमाए कि ऐसे ही दिल का हाल। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल इसका इलाज क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी मौत को याद करना, आखिरत को याद करना, और उसका दूसरा इलाज है कुरान मजीद की तिलावत करना। तो इसलिए दिल लगे या ना लगे, बहरहाल हमें कुरान मजीद की तिलावत का खूब ज्यादा एहतमाम करना चाहिए। दिन हो रात हो, जब भी हमें वक्त फारिग मिले, और ये तो वो चीज है दोस्तों कि इसमें हमें तनाफुस से काम लेना चाहिए कि चंद दोस्त मिलकर मुकाबला करें कि हम में से कौन आज ज्यादा तिलावत करेगा।
हर एक की ये कोशिश हो कि दूसरे से तिलावत में आगे बढ़ जाए। जैसे कि हजरत शेख ने अपने घराने की औरतों के मुतालिक लिखा कि हमारे घराने की औरतें घर का पूरा काम काज करने के बावजूद रोजाना रमजानुल मुबारक में 10-20-15 पारे आराम से तिलावत कर लेती थी और हर एक को इसकी हिर्स होती थी कि दूसरी से मैं तिलावत में आगे बढ़ जाऊं। तो हमारी दोस्तियां और हमारे आपस के ताल्लुकात को हम इन चीजों में इस्तेमाल करें। दूसरे खेलों के मुकाबले में, खेलों का मुकाबला करने के लिए रमजान का महीना नहीं है दोस्तों, रमजान का महीना तो नेकियों में मुकाबला करने का है। और नेकी रोजा तो ऐसी चीज नहीं कि जिसमें मुकाबला करे, रोजे तो 30 या 29 ही हैं, तरावी तो नहीं है कि उसमें मुकाबला किया जाए, वो तो बहरहाल एक रात में एक ही तरावी है। लेकिन उसके अलावा जो रमजान की अहम इबादत है वो कुरान मजीद ही है कि जिसमें मुकाबला किया जाए। हम अपने दोस्तों से मुकाबला करें, साथियों से मुकाबला करें कि अगर तू 3 पारे पढ़ता है मैं 6 पढ़ूंगा, तू कल 6 पढ़ेगा तो मैं उससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश करूंगा, पूरे रमजान में अगर तू 10 कलामे पाक खत्म कर रहा है तो मैं 15 करके बताऊंगा। हमारा ये मुकाबला होना चाहिए और ये मुकाबला कोई रियाकारी में दाखिल नहीं है, ये अल्लाह की इबादत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने में दाखिल है। और अल्लाह के यहां उसकी इबादत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वालों की बड़ी कद्र है। तो एक इबादत इन तमाम अहकाम के दौरान यह है कि कुरान की तिलावत की कसरत। दूसरी एक अहम इबादत जो इन अहकाम के दरमियान अल्लाह तबारक व ताला ने जिक्र की है, वइदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, के बज़ाहिर ये ऊपर भी रोजों के अहकाम है, इसके बाद वाली आयत में भी रोजों के अहकाम है और दरमियान में ये आयत जिसमें दुआ का तज़किरा है, तो बाज़ मुफस्सिरीन ने उसमें ये नुक्ता बयान किया कि ये भी दरअसल इशारा है इस बात की तरफ कि दुआ ये खास तौर पर रमजान की इबादत है, यानी दुआ में इजाफा होना चाहिए रमजान के महीने में। और हदीस में तो हमने सुना ही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तवील हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल ने रमजान के बहुत से फजाइल और आमाल का तज़किरा किया है, तो वहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जिक्र किया कि इन लिकुल्ली मुस्लिमिन फी कुल्ली यौमिन व लैलतिन, यानी रमजान दावतुन मुस्तजाबतुन, के रमजान की रातों और रमजान के दिनों में हर मुसलमान के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने एक मकबूल दुआ रखी कि अल्लाह उसकी वो दुआ जरूर कबूल करेगा। तो रोजे की हालत में जबकि इंसान भूखा रहे और अल्लाह के कुर्ब में इजाफा हो जाए, उस हालत में इंसान आजजी के साथ, दरमानदगी की कैफियत के साथ, लजाजत और खुशामत के अंदाज में अल्लाह तबारक व ताला से मांगता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुआ को जरूर कबूल करते हैं। इसीलिए हमारे अकाबिर के यहाँ रमजान की तिलावत का जहाँ एहतमाम था, तो वहीं अकाबिर के हालात से हमें यह मालूम होता है कि वो दुआओं का भी खूब एहतमाम करते थे। हजरत शेख ने अपने जिन मशाइख को देखा तो उनके मुतालिक लिखा है कि मैंने अपने वालिद हजरत मौलाना यहया साहब कांदलवी अलैहि रहमा और हजरत मदनी शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी को तहज्जुद के वक्त बच्चे की तरह बिल बिलाते रोते हुए मैंने देखा। इतने बड़े आदमी थे दोस्तों ये लोग, अल्लाह तबारक व ताला के वली थे खुदा की कसम, और अपने जमाने में उनके अलावा विलायत का एक अजीम मकाम किसी और को हासिल नहीं होगा। लेकिन उनका हाल ये था कि तहज्जुद के वक्त, हालांकि उनका बकिया वक्त तो सोने में नहीं गुजरा होता था,
घंटों वो मुसल्ले पर बैठकर या खड़े होकर अल्लाह के कलाम की तिलावत करते थे, लेकिन जब सहर का वक्त आता था, हजरत शेख फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद को और हजरत मदनी को बच्चे की तरह, जैसा बच्चा अपने माँ के खातिर बिलबिला कर रोता है, वो अपने रब के सामने इस तरह गिड़गिड़ा कर रोते थे। तो दोस्तों, रमजान में हमें इसका भी बहुत एहतमाम करने की जरूरत है। हमारा बहुत सा वक्त दोस्तों, इफ्तार से पहले का वक्त, सहरी के बाद का वक्त, वैसे ही जाया जाता है, या तो हम सोने में गुजार देते हैं या गपशप में। अक्सर तो यही देखा जा रहा है कि हमारे बच्चे हो, नौजवान हो या हमारे साथी हो, अगर कुरान की तिलावत नहीं करते हैं तो मोबाइल में मशगूल रहते हैं या आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और हंसी मजाक कर रहे होते हैं। दोस्तों, रमजान का एक एक लम्हा इंतहाई कीमती है। गुज़श्ता भी मैंने कहा कि अगर मुर्दों को जिंदा कर दिया जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या तुम्हारी कोई तमन्ना है, तो वो यही कहेंगे कि बस रमजान का एक दिन मुझे मिल जाए। तो इसलिए अल्लाह ने अगर हमारी जिंदगी में रमजान का महीना हमको अता फरमाया है, तो दोस्तों इसके एक एक लम्हे की हमें कद्र करने की जरूरत है। और दुआ के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत उठाने की जरूरत नहीं है। आदमी चलते फिरते भी अल्लाह से मांगता रहता है, मांग सकता है। उसके दिल में जो भी आए, बस अपनी तवज्जो अल्लाह की तरफ रखे। और अगर मौका निकाल कर जो मसनून दुआएं हैं, जो हमारे अकाबिर व असलाफ ने जमा की हैं, अल हिज्बुल आजम है, मुनाजात मकबूल हैं, ये इन दुआओं की किताब से कम देखकर इफ्तार से पहले या सहरी के वक्त इनको देखकर अल्लाह से मांगने के अंदाज में मांग ले, तो इंशाल्लाह उसकी बहुत बहुत बरकतें हासिल होंगी। और दोस्तों, उम्मत बड़ी आजमाइश में है। हमें चाहे अंदाजा न हो कि हम अमन से रह रहे, लेकिन हालात इंतहाई पुरखतर हैं। आए दिन हमारे इस मुल्क में भी ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं कि किसी गोदाम में जमा होकर नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा। घरों में चमचन आदमी मिलकर नमाज पढ़ रहे तो उन पर हमले किए जा रहे हैं। किसी दाढ़ी टोपी वाले को देखकर उसको पकड़कर पीटा जा रहा। ये सख्त हालात उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी की दलील है। और अल्लाह ही ने राजी करने के लिए हमें एक हसीन और सुरेना मौका रमजान की शक्ल में अता कर दिया। अगर रमजान ऐसे ही नाकदरी के साथ गुजर जाए तो अल्लाह का गजब दोस्तों अपनी इंतहा पर पहुंच जाएगा और खुद फिर हम अपनी बर्बादी के लिए और हलाकत के लिए सामान कर रहे हैं। और फिर उस हलाकत और उस बर्बादी से हमें खुदा की कसम कोई ताकत नहीं बचा सकती। हुकूमतें बदल जाएं, हम कितना ही अपना तहफ्फुज़ कर लें, अपने कितने ही ताल्लुकात लोगों से बढ़ा लें, लेकिन दोस्तों जब तक हमारा खुदा हमसे राजी नहीं होगा, जब तक हम अपनी बख्शिश नहीं करवा लेंगे, अल्लाह की रजा रमजान के रोजों के खातिर हमको नहीं मिल जाएगी, अल्लाह की रजा और उसकी मगफिरत के मुस्तहिक नहीं बनेंगे, तो खुदा की कसम इन दुश्मनों के तसल्लुत से और कुफ्र के गलबे से कोई ताकत हमको नजात नहीं दिला सकती। इसलिए दोस्तों, जितने भी अय्याम बाकी हैं, हम उसके लम्हे लम्हे की कदर करें। रमजान के रोजों के एहतमाम के साथ और वाकई ऐसा रोजा हो जैसा होना चाहिए, और रमजान की तरावी की कदरदानी के साथ कुरान की तिलावत का एहतमाम हो, और खास तौर पर दुआओं में भी अल्लाह तबारक व ताला से हम लजाजत के साथ मांगे, अपने लिए मांगे, पूरी उम्मत के लिए मांगे, इस्लाम के गलबे के लिए मांगे, कुफ्र की शान और शौकत के खत्मे के लिए मांगे। अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए इस रमजान को एक साले इनकलाब का जरिया बनाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।